लखनऊ से खबर है, शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शिवपाल ने किया है ओवैसी का जिक्र, हम उनका सम्मान करते हैं। शिवपाल यादव ने यह कहा है कोई अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए। शिवपाल यादव ने यह भी कहा है उनके पास अच्छा प्रत्याशी है, तो बताएं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिलवा देंगे। शिवपाल यादव ने यह भी कहा है, ओवैसी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक सपा के लिए सिर्फ दरी बिछाने का काम करेंगे। शिवपाल ने कहा कि वो ओवैसी का काफी सम्मान करते हैं, कोई उचित नाम हो तो वो सुझाव दे सकते हैं। ओवैसी समय समय पर कांग्रेस और सपा पर मुसलमानों के वोट लेने लेकिन प्रतिनिधित्व न देने के आरोप लगाते रहे हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मयूर, शिवपाल यादव कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी भी आना चाहती है तो आ जाए, कोई अच्छा हो प्रत्याशी तो उसका नाम बताएं। एक तरफ तो वैसी सपा पर निशाना साध रही है, दूसरी तरफ वैसी का पक्ष लेते भी नजर आ रहे हैं शिवपाल यादव, तो ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, जहां एक तरफ अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो वो हमेशा और चाहे समाजवादी पार्टी हो कुछ भी बोलने से बचती नजर आती है, AIMIM को लेकर या फिर ओवैसी की बयानबाजी को लेकर। लेकिन अब ये जो बयान आया है शिवपाल सिंह यादव की तरफ से, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि अजदुद्दीन ओवैसी भी हमेशा मुखर रहते हैं समाजवादी पार्टी से, आरोप लगाते हैं कि सपा मुसलमानों का वोट जरूर लेती है, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, कभी भी उनके उत्थान के लिए समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया। तो ऐसे में ये बड़ा आरोप जब ओवैसी लगाते हैं, तो ये बड़ा दिल दिखाने की क्या वजह हो गई कि शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं और अगर वो कोई अच्छा प्रत्याशी बताएंगे तो हम उसको टिकट देने को तैयार हैं। ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में जो तमाम पार्टियां बची हैं उत्तर प्रदेश में एक साथ, उनमें आपस में ही रार चल रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपस में ठनी हुई है, बन नहीं रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। ऐसे में एक और हिस्सेदार को न्योता देना शिवपाल सिंह यादव की तरफ से, ये बात गले से नहीं उतरती। और तब जब दोनों एक दूसरे के खिलाफत में रहते हैं, समाजवादी पार्टी कहती है कि AIMIM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनके लिए काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, भाजपा के इशारों पे चलती है यह पार्टी, दूसरी तरफ उनको न्योता दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो मुस्लिम वोट बैंक की कहीं ना कहीं राजनीति है, अगर समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि AIMIM के साथ आने से जो प्रदेश का मुस्लिम है वो पूरी तरीके से उनके गठबंधन के साथ आ जाएगा, तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि ओवैसी भी ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का साथ नहीं देती, बस उनका वोट लेती है। तो ऐसे में ये अब जो नई दिशा और दशा तय करने का प्रयास कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, ये इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को किस ओर ले जाती है। तो असीम वकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के, बहुत स्वागत है असीम वकार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। असीम जी, शिवपाल यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छा प्रत्याशी है तो बताइए। नहीं, शिवपाल यादव साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। शिवपाल जी बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत ताकतवर और बहुत समझदार नेता भी हैं प्रदेश में, और शिवपाल जी ने इस तरह का अगर ऑफर दिया है तो मुझे लगता है कि हमारे पास अगर ये ऑफर आएगा ऑफिशियली AIMIM के पास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये ऑफर आएगा तो जरूर हम लोग इस पर विचार करेंगे, और अगर सच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके राजी हैं और उनकी बात हो गई है तो ऑफिशियली तौर पर हम लोग को भेजें ऑफर, हम उनका ऑफर स्वीकार करेंगे, हमारे पास प्रत्याशी है। लेकिन असीम वकार जी, आपके तो अध्यक्ष बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं सपा पर कि सपा सिर्फ मुसलमानों को वोट लेना जानती है, सिर्फ दरी का काम करते हैं, कोई प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती है सपा, ये आरोप हमेशा लगते रहे। तो ऐसे में आप, अगर ऐसा कुछ होता है कि वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करे, तो आप इसे स्वीकार करेंगे? मैंने आपसे अभी एक बात कही, देखिए सबसे पहली बात तो राजभर साहब ने जिस तरह की गाली गलौज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जनाब योगी आदित्यनाथ के लिए की थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको ले लिया, तो हमारी तरफ से हम दोनों लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, ना समाजवादी पार्टी के किसी लीडर ने किया है, ना AIMIM के किसी लीडर ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहते हैं उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही लोग
आइडियोलॉजी के हिसाब से, सियासत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते हैं, बीजेपी को हराना और हटाना चाहते हैं। असीम जी बने रहिए हमारे साथ, अमित जमई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। असीम जी आप बताइए, आप यहाँ कह रहे हैं हमारे साथ अमित जी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं प्रवक्ता असीम वकार जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर आपकी तरफ से ऑफर जाता है अच्छे प्रतिनिधित्व के लिए तो हम बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो आप देंगे ऑफर? देखिए कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने समाजवादी पार्टी पे हमला बोला है। पहला विषय तो ये है कि जब पूरा देश बीजेपी आरएसएस की नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है तो असद ओवैसी साहब सेकुलर फोर्सेस से लड़ रहे हैं, तो पूरा देश समझ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। नंबर टू रही बात जो माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी की जो समाजवादी विरासत है, आसिम भाई भी उसी विरासत से बाहर आए हैं और मैं बड़ी इज्जत करता हूं आसिम साहब। मालूम है कि पूरे देश की असेंबलियों में, लोकसभा में जितनी भी नुमाइंदगी नेताजी हमेशा, चाहे वो ब्राह्मण्स हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो, नेता बनाने की फैक्ट्री अगर कोई पार्टी थी तो समाजवादी पार्टी थी। और उन्होंने हमेशा मुसलमानों की आबादी के हिसाब से, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधान परिषद हो, चाहे हमारी विधानसभा हो, वहां पे नुमाइंदगी करी और उसी विरासत को माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे समय में जब बीजेपी आरएसएस का अधिनायकवाद चरम पर है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो असद ओवैसी साहब अखिलेश जी से क्यों लड़ना चाहते हैं? राजनी शिवपाल जी ने तो ठीक कहा। ठीक है असीम जी जवाब दीजिए, असीम जी जवाब दीजिए। नहीं मुझे लगता है कि मैंने फिर आपसे कहा कि शिवपाल यादव जी एक समझदार, बहुत अकलमंद, बेहतरीन नेता के साथ बहुत बेहतरीन इंसान भी है, और अगर ऑफिशियली समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आता है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। लेकिन मुझे एक बात और समझ में आ रही है कि समाजवादी पार्टी में बैठे हुए जो मुसलमान लीडरान है वो नहीं चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद ओवैसी साहब या आसिम वकार साहब इनके साथ आए, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ये कहती है कि अगर हम लोग ताकतवर होंगे तो समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ताकत कम हो या उनकी वैल्यू कम हो। इसमें कोई बुराई भी नहीं है और होता है ऐसा, लेकिन फिर भी आखिरी बात यह कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी शिवपाल जी की बात पे गौर करती है, अखिलेश जी की तरफ से कोई ऑफिशियली अगर हमको इनविटेशन आता है उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है मयूर भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी मयूर आप भी पूछना चाहेंगे सवाल? ना बिल्कुल, देखिए जो ये बात एग्जांपल दे रहे हैं असीम वकार जी की, ओम प्रकाश राजभर जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन ओवैसी की अगर हम बात करें तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं जो है अपनी बातों से कभी अलग नहीं हटता, उनका जो सिद्धांत है वो एक सिद्धांत है, वो एक रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, कभी ऐसे लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेगी जो मुस्लिमों के खिलाफ रहते हैं। समाजवादी पार्टी पर आरोप भी लगाते हैं कि मुसलमानों का वोट तो ले लेते हैं लेकिन कभी उनके साथ जो है न्याय नहीं करते, उनका उत्थान आज तक नहीं किया, तो ऐसे में क्या वो जो उनकी बातें हैं सैद्धांतिक बातें, क्या वो उससे हटके अब जाएंगे उनके साथ गठबंधन करने? असीम जी देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा था, आप उस पर तो सवाल नहीं खड़े करते हैं, वहां तो जाके आप लड्डू भी खाते हैं बैठकर और खुशियां भी मनाते हैं और लड्डू बांटते भी हैं। मैंने आपसे आखिर में फिर यह कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई वैचारिक है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को हटाने की है, हमारी लड़ाई मोदी को प्रधानमंत्री पद से गिराने की है। चलिए ठीक है असीम जी और अमित जी, मेरे पास समय इतना ही है इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया मयूर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।